नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिब्रॉइड यानी कि रसूली, यूट्राइन फिब्रॉइड के बारे में। यूट्राइन फिब्रॉइड का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी में जो मेडिसिंस दी जाती हैं वो हार्मोन लेवल को बैलेंस करती हैं, ब्लीडिंग को कम करती हैं और कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आती है कैल्केरिया फ्लोर। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका, अगर आपकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में मल्टी फिब्रॉइड्स, मल्टीपल मीन्स बहुत सारी फिब्रॉइड्स हैं, क्योंकि कैल्केरिया फ्लोर यूट्रस के श्रिंक होने में भी हेल्पफुल होती है। इनडायरेक्टली वो क्या करती है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स को श्रिंक कर देती है, और उस श्रिंक होने के साथ साथ पेन और जो फिब्रॉइड की वजह से हैवीनेस थी यूट्रस में, उसमें भी पेशेंट को कैल्केरिया फ्लोर से रिलीफ आता है। अगर कोई फिब्रॉइड का पेशेंट है और उसको मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं, और इन सब के साथ साथ उसको चक्कर भी आ रहे हैं, उसको सिर में भी दर्द है, और उसकी जो अगर हम पैरों के तलवे टच करें या पंजा टच करें उसका, तो वो कोल्ड लगता है और उसको ऐसे लगता है जैसे एब्डोमिन में किसी ने नाइफ चला दी हो। जब फ्लो के साथ, अगर जब फ्लो इंक्रीज़ होता है तो उसका पेन ऐसा होता है, कटिंग पेन होता है, और उसके साथ साथ वो पेशेंट इनफर्टाइल भी है, वो कंसीव भी नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हम कैल्केरिया कार्ब देते हैं। कैल्केरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फैट होती है, फेयर होती है, फ्लैबी होती है, और अगर साथ साथ में ये मैंशनड उसको सिम्टम्स है तो आप कैल्केरिया कार्ब दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बियरिंग डाउन, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ थ्रू दी वेजाइना नीचे की तरफ आ रहा है, चलते वक्त फीट्स में क्रैम्प्स आते हैं, लड़खड़ाता है पेशेंट, और दोपहर और रात, मतलब दोपहर से धीरे 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 सिचुएशन बिगड़नी शुरू होती है और रात तक बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो हम फैक्सिनस अमेरिकाना देते हैं। इसका मेन प्रोमिनेंट सिम्टम ये है कि लेफ़्ट ओवरी की जगह पे, जहाँ पर लेफ़्ट ओवरी होती है उस जगह पे पेन पेशेंट फील करता है और उसे बहुत भारीपन लगता है वहाँ पे, और उसे ये सेंसेशन होती है कि थ्रू दी वजाइना सब कुछ बाहर प्रोलैप्स करने वाला हो। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो फैक्सिनस अमेरिकाना बेस्ट रेमेडी है। एक एरिग्रॉन करके मेडिसिन आती है जो कि फिब्रॉइड के पेशेंट में तब दी जाती है अगर उसको मेटोरेजिया है। मेटोरेजिया मींस पीरियड्स जो है इंटरमिटेंट फ्लो ब्लड का हो रहा है, महीने में अभी ख़त्म हुए फिर शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो पेन होता है उसको सिर्फ यूट्रस तक सीमित ना रह के उसके ब्लेडर में और उसके रेक्टम तक उसका पेन आता है लेडी का, तो इस केस में हम एरिग्रॉन देते हैं। अगर जब पेशेंट को फिब्रॉइड भी है और साथ ही साथ जब उसे ब्लीडिंग होती है तो जहाँ जहाँ वो ब्लड लग जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, पेशेंट को वहीं पे इचिंग और बहुत ज़्यादा हीट फीलिंग, हॉट फीलिंग होने लगे, ऐसे लगे कि कोरोड हो गए हैं पार्ट्स, जैसे किसी ने एसिड डाल दिया हो, अगर ऐसी पेशेंट को फील होता है और अगर वो प्रेशर करे, अपने पेट पे बैठ के प्रेशर अप्लाई करे, उससे उसको आराम मिल रहा है, तो इस केस में हम काली कार्ब देते हैं, दैट इज़ कैली कार्ब। एक मेडिसिन आती है कैली आयोड करके। कैली आयोड उन पेशेंट में दी जाती है जिनमें फिब्रॉइड है लेकिन टू बी पॉइंट मेंसेस लेट हैं। ऐसे बहुत कम केस होते हैं जो फिब्रॉइड के होते हैं और उनके मेंसेस लेट होते हैं, अधिकतर ये देखा जाता है कि फ्रीक्वेंट या फिर अर्ली मेंसेस हो जाते हैं उसमें। बट जो केस मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ काली आयोड का, उसमें जो मेंसेस होते हैं वो लेट आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा फ्लो आता है, और ऐसा लगता है पेशेंट को जब फ्लो हो रहा होता है जैसे किसी ने उसकी यूट्रस को स्क्वीज़ कर दिया हो, निचोड़ दिया हो, इस केस में हम काली आयोड देते हैं। एक और मेडिसिन आती है थियोसैमिनम करके। थियोसैमिनम वहाँ पे दी जाती है जहाँ पे हमें लगता है कि ट्यूमर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है या फिर फिब्रॉइड ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अगर हमें उसको डिसॉल्व करना है या उसका साइज रिड्यूस करना है। नेक्स्ट आता है अगर पेशेंट
थोड़े थोड़े इंटरवल पे स्पॉटिंग आ रही है उसको ब्लीडिंग की, साथ में पेन है, हेडेक भी है और बैकएक है, बहुत ज़्यादा बैकएक है, और लोअर एब्डोमिन में विदाउट पीरियड्स, विदाउट फ्लो भी, नॉर्मल डेज में भी पेन उसको हो रहा है, और जिसे हम कहते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, उसमें भी जो दी जाती है दैट इज़ थालस्पी बुरसा पेस्टोरिस, ये मेडिसिन इस केस में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर इंटरमीडिएट मेंसुरेशन है, मतलब इंटरमीडिएट मींस बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, साइकिल के बीच में ही आपको पीरियड आ रहे हैं, और पीरियड ऐसे हैं या तो बिल्कुल ब्लड का जो टेक्सचर होगा आपको पानी जैसा हाफ लिक्विड लगेगा और बहुत ही लाइट रेड कलर का, और उसमें क्लॉट्स ज़्यादा आएंगे, क्लॉट्स ज़्यादा आएंगे, और उन क्लॉट्स को अगर आप करें वो धागे की तरह ऐसे खींचेंगे, स्ट्रिंजी होंगे, तो इस केस में हम देते हैं अस्टिलैगोमाइडिस, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिलियम पेंडुलम, ट्रिलियम पेंडुलम भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। उस केस में जब फिब्रॉइड के पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो एकदम ऐसे ब्लीडिंग होती है जैसे कि किसी ने बहुत बड़ा नल खोल दिया हो, एकदम गश आउट करती है ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है हिप एरिया में, बैक में, और ऐसे लगता है पेशेंट को जैसे हिप और बैक जो है ना वो उनके किसी ने पीस कर दिए हों, वो ब्रोकन अप इनटू पीसेस हो गए हों, और इतनी ब्लीडिंग की वजह से कई कई बार पेशेंट फेंट भी हो जाती है, तो उस केस में हम अस्टिलैगोमाइडिस देते हैं, सॉरी ट्रिलियम पेंडुलम देते हैं, सॉरी टू से। तो पेशेंट्स जो भी फिब्रॉइड के हों प्लीज़ अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें, हैवी वर्क ना करें, आयरन रिच डाइट लें, आयरन सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आयरन डिफिशियंसी रिलेटेड सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, और बैलेंस डाइट तो आपको लेनी ही होगी, स्मोकिंग से दूर रहें, स्मोकिंग करने वाले से दूर रहें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें homeoblessings.com। कोई क्वेरी हो तो क्वेरी बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ बने रहें, हंसते खेलते रहें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी डे।